الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم صدق الله العظيم ये सूरह हिज्र की 23वीं आयत है। इससे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल बयान फरमाए थे और उसे कहते हैं दलाइल आफाकी। आफाक जो इंसान के वजूद से खारजी चीज़ें हैं, उसमें तज़किरा आया आसमान का, सितारों का, फिर सितारों का क्या काम है, और इसी तरह से ज़मीन का तज़किरा कि हमने ज़मीन को फैलाया है, उसमें पहाड़ों को रखा है, फिर हमने हर चीज़ एक खास मुअय्यन मकदार से हमने उगाई है और ज़िंदगी गुजारने के लिए असबाब आपके लिए हमने ज़मीन में रखे हैं और आपके रिज़्क का हमने इंतज़ाम किया और उस मखलूक़ात का भी हमने इंतज़ाम किया रिज़्क का जिनके आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, जैसे और मखलूक़ात हैं, जंगली जानवर हैं, समंदरी मखलूक़ात हैं, खुश्की के मखलूक़ात हैं, उसकी तफसील आ गई। फिर ये भी फरमाया था कि हमारे पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और
हम उतारते हैं उन खजानों से, लेकिन उतना उतारते हैं जितनी मकदार हमें मालूम है कि कितनी मकदार उतारनी है, बारिश कब उतारनी है, कितनी उतारनी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यह आया था कि हम हवाओं को उठाते हैं, समंदर से भाप उठती है और हवाएं उन बादलों को ले जाती हैं। फिर हम आपको पानी पिलाते हैं और यह है कि आप उस पानी को जमा करने वाले नहीं हैं कि साल भर के लिए एक ही हफ्ते में अल्लाह ताला पानी बरसाए फिर कहेंगे भाई ये साल भर के लिए इसको स्टॉक रख लो, तो लोग कहाँ रख सकते हैं उसको, कहीं भी नहीं रख सकते। कोई कहेगा जनाब टंकियां बनाएंगे, ठीक टंकियां बनाएंगे लेकिन खेतों में क्या डालेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पानी का निज़ाम जो है वो इस तरह मैंने चलाया है कि पानी बरसता है फिर धूप भी निकलती है, कुछ पानी तो उसी वक्त इस्तेमाल होता है और कुछ पानी जो है ज़मीन में जज़ब हो जाता है और ज़मीन के मसामों में रहता है, फिर किसी जगह चश्मा निकलता है, किसी जगह लोग कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, और इसी तरह से जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ बर्फबारी होती है। चिनाचे अभी यहाँ बारिशें हुई थी और पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई, तो ये बर्फ जो है वो अल्लाह ताला को स्टॉक रखते हैं, तो ये बर्फ आहिस्ता 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 पिघलती रहती है, फिर नदी नालों में आती है, दरियाओं में आती है, लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये भी हमारे बस में नहीं था कि एक ही साथ अल्लाह ताला बरसाते और फरमाते ये पानी इंतज़ाम कर लो। और आज की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्ना लनहयी व नुमीत, जिस तरह से हम सारे काम करते हैं मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, इसी तरह से बेशक हम ही ज़िंदा करते हैं मौत देते हैं, हमारे हुक्म के बगैर कोई मरता नहीं और हमारे चाहने के बगैर कोई दुनिया में आता नहीं। जब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया तो दुनिया में कैसे आएगा, और जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कोई दुनिया में मरेगा नहीं। अल्लाह बचाए हादसा तो अगर हो जाते हैं लेकिन उसमें भी यही है, जिसको अल्लाह मौत देना चाहे तो उसको मौत दे सकती है और जिसको नहीं वो हादसा में भी बच जाता है। तो बहरहाल ये मौत हयात का सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखा है, जिंदा भी हम करते हैं और मौत भी हम देते हैं। एक जगह मैंने नमाज पढ़ ली जोहर की, बहुत साल पहले की बात है, इमाम साहब से मुलाकात की तो उसने कहा कि भाई मैं तो दोबारा गोया दुनिया में आया। मैंने कहा क्यों, कहते कि गोली सीने में लगी और बाहर से निकली, लेकिन जिंदा है क्या है, ऑपरेशन वगैरह हो गया ठीक है, तो जैसे गोली तो आदमी मरता है लेकिन वो मरा नहीं। दूसरा एक जवान था कि वो ट्रक चला रहा था तो ट्रक एक जगह उसने खड़ी कर ली और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नीचे उतरा, इस्तिंजा वगैरह करना था क्या करना था, अब भी वो खड़ा ही था, दूसरी गाड़ी उधर से आई और टायर के नीचे इतना सा छोटा सा कंकर इतना सा वो वहाँ से ज़ोर से निकला और यहाँ उसके आ गया, कोई ज़ाहरी ज़ख्म भी नहीं था, वो गिर गया, अस्पताल ले गए, उसका इंतकाल हो चुका था, उसका जनाजा मैंने खुद पढ़ाया। बहरहाल ये है कि गोली से आदमी मरता है लेकिन जिसको ज़िंदा रहना है वो मरा नहीं, और छोटे से पत्थर से तो आदमी ज़ख्मी तो हो सकता है लेकिन उसकी मौत का सबब वही बन गया। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई मरता नहीं, कोई दुनिया में आता नहीं। और एक रिवायत है अला व इन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, लोगों यकीन जानो कोई मरेगा नहीं तब तक जब तक अपना रिज़्क पूरा न करे। रिज़्क का मतलब यह है कि जो अल्लाह ने उसको दुनिया में रिज़्क रखा है, जब तक वो मुकम्मल नहीं करेगा तब तक वो दुनिया से निकलेगा नहीं, मरेगा नहीं। आमतौर से जब आदमी बीमार हो जाता है तो खाना वगैरह बहुत कम होता है, फिर दवाइयाँ और ग्लूकोज और क्या क्या, तो फिर वो भी ख़त्म होता है, फिर आखिर में वो सिर्फ सांस लेता है क्या, और ये कोमा में है। सांस भी कितने लेगा वो, बस जितने सांस उसकी ज़िंदगी के बाकी हैं तब तक वो मरेगा नहीं। आप जितने भी सांस ले रहा है सांस, तो आप फरिश्ते गिनते कितने सांस इसके अभी दुनिया में है, जब आखिरी सांस आएगा तो उस वक्त उसकी रूह निकलेगी, उससे पहले उसकी रूह निकलने वाली ना। जो बाज लोग जो छः छः महीने तक कौमे में रहते हैं, तीन तीन महीने तक कौमे में रहते हैं, कोई हिस नहीं, कोई वो नहीं है। मैं एक बीमार के पास गया आयादत के लिए तो 5 साल से वो कौमे में था, किसमें
पाँच साल हो गए थे, तो 5 साल से वो ऐसे ही था, कोई हरकत नहीं है। ग्लूकोज वगैरह लगाते थे, क्या क्या लगाते थे, तो बहरहाल फिर उसका इंतकाल हो गया। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं। आगे फरमा वनहनुल वारिसून, हम ही वारिस हैं क्या? सवाल इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि दुनिया में जो है वो लोग, उनकी मिल्कियत में ज़मीन है, जायदादें हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन आखिर में ये सारी जायदाद ये यही रहेगी और इसका वारिस मैं होगा। इसका वारिस जाहिर सी बात है, जब कोई रहा ही नहीं, सब दुनिया से चले गए एक एक करके, या कयामत ही आ गई तो सब मर गए, तो ये जो दुनिया की दौलत है, ये जो माल है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला फरमाती इसका वारिस मैं हूँ, इसका वारिस। सवाल है कि क्या लोग वारिस नहीं है? कहते हैं कि लोग मजाजी वारिस हैं। क्या हैं जी? दुनिया में आदमी कहता है कि भाई वो जो है वो ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी और ये जायदाद मेरी है, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे लोग, ये सारी दौलत और सारी जमीन यही रहेगी, इसका कोई वारिस नहीं होगा, अल्लाह ताला इसका वारिस मैं होगा, इसका वारिस। दूसरा मतलब है इसका वारिस, उनका मतलब कि बाकी रहने वाला सिर्फ मैं हूँ। क्या? कुल्लुमन अलैहा फान, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मजाजी मिल्कियत होती है। किताबों में अजीब अजीब वाक्यात लिखे हैं। एक किताब में लिखा है कि दो आदमी जमीन के एक टुकड़े पर लड़ रहे थे, वो कह रहा था ये मेरी जमीन है, वो कह रहा था ये मेरी जमीन है, तो उसको धक्का दे रहा था ताकि जमीन से उसको निकाले, निकल जाए यहां से, ये मेरी जमीन है, तो वो उधर से वापस धक्का दे रहा था, तो जमीन से आवाज आने लगी, कहने की सुनो न मैं आपकी हूं न मैं इसकी हूं, न मैं आपकी हूं न मैं इसकी हूं। क्यों? यहां बहुत से लोग आए और अपना काम करते रहे, खेती करते रहे और चले गए, और वो इसलिए न मैं आपकी, ना आप भी मरेंगे ये भी मरेगा, मैं यही रहूंगी, मतलब उसके लड़ो मत, क्या क्यों झगड़ा करते हो? तो मैशर के मैदान में अल्लाह ताला की जानिब से एक आवाज आएगी, लिमनुल मुल्कुल यौम, लोगो आज किसकी बादशाह थे? क्या कोई जवाब नहीं देगा? क्या? इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक का मालिक है कयामत के दिन का। क्या? बदले के दिन का मालिक अल्लाह ताला है। सवाल आज का मालिक भी तो वही, आज भी तो वही मालिक है। फरमाते हैं कि आज सब लोग थोड़े मानेंगे कि अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है ना? ईमान वाले तो कहेगा हाँ हर चीज अल्लाह की है। बहुत सारे लोग अल्लाह को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि ये तो नेचर है, क्या है, कोई खालिक वालिक नहीं, एथिस्ट हो गए हैं, कभी इंसान खुद ब खुद बन गया, तो वो ये कहाँ कहेंगे कि जनाब फलां का मालिक अल्लाह है, फलां का मालिक अल्लाह है। तो बहरहाल सवाल आज का भी वो मालिक है, लेकिन आज मजाजी मालिक भी हैं, लेकिन मैशर के मैदान में कोई किसी चीज का मालिक होगा नहीं, कपड़े भी नहीं होंगे। ये हदीस में है युक्षर नास यौमल क़ियामत हुफातन उरातन गुरला, कयामत के दिन लोगों को जमा किया जाएगा हुफातन उरातन गुरला, नंगे पैर नंगे बदन, और मर्द गैर मख्तून होंगे, उनको खुतना भी नहीं होगा, जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था तो बराबर उसी तरह से अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, पैदा कर देगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे लिमन अल-मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाह थे? कोई जवाब नहीं देगा। क्या सवाल क्यों नहीं, कौन जवाब देगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और अल्लाह की हैबत ऐसी होगी, अल्लाह का खौफ ऐसा होगा, तो साए नबी मुरसल और फरिश्ते और सारी मखलूक कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि कुरान पाक में है लिमन अल-मुल्कुल यौम। तो फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, लिल्लाहिल आज हुकूमत है वाहिदुल कहार की, यानी आज मालिक है अकेला कौन? वाहिदुल कहार, क्योंकि किसी इंसान के कब्जे में और मिल्कियत में कोई चीज नहीं होगी, बदन के कपड़े भी नहीं होंगे, जो कुछ दुनिया में था वो सब खत्म हो गया, दुनिया तबाह हो गई, खत्म हो गई दुनिया, जमीन को बराबर कर दिया गया। इसलिए फरमाते हैं कि हम वारिस होंगे, हम आखिर में हम ही वारिस रहेंगे। और वकील और एक जगह फरमाया इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा, हम वारिस हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन के, वमन अलैहा, और जो कुछ उसके ऊपर है उसके भी हम ही मालिक होंगे, वारिस होंगे। वइलैना युरजाउन,
और तमाम लोगों को वापस मेरे ही पास आना है, तमाम लोगों को वापस मेरे पास आना है। तो बहरहाल ये फरमाया वो वाहिदुल कहार है, वाहिद के माने अकेला है, कहार ने गालिब है क्या, तो सवाल भी खुद ही करेगा जवाब भी खुद ही देगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद अलिमनल मुस्तकदिमीन मिनकुम वलकद अलिमनल मुस्ताखिरीन, यकीनन अल्लाह तबारक ताला जानते हैं, क्या जानते हैं, अल मुस्तकदिमीन मिनकुम वल मुस्ताखिरीन, इसका लफ्जी तर्जमा है कि मुस्तकदिमीन आगे बढ़ने वाले तुम में से, वलकद अलिमनल मुस्ताखिरीन और उनको भी जानते हैं जो पीछे रहने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि जो लोग दुनिया में आए और चले गए हम उनको जानते हैं, यानी उनकी मौत वाका हो गई, वो वफात पा गए हो दुनिया से, और मुस्ताखिरीन से मुराद देंगे जो दुनिया में जिंदा है, मैं उनको भी जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, आला यालम मन खलक वह लतीफुल खबीर, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो न जाने जिसने मखलूक को पैदा किया, वो लतीफ खबीर है, खबरदार है, सब जानते हैं। तो मुस्तकदिमीन से मुराद एक ये है, और हजरत मुजाहिद अलैहि राम ने फरमाया मुस्तकदिमीन से मुराद एक कुरून ओला, क्या यानी पहली उम्मतें, ईसा अलैहि सलाम की उम्मत, मूसा अलैहि सलाम की उम्मत, इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम की उम्मत, मुस्तखिरीन से मुराद है उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो वसलाम, ये है। और हजरत हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया मुस्तकदिमीन से वो लोग मुराद हैं जो इताअत और फरमा बरदारी में आगे बढ़े हुए हैं। अल्लाह फरमाते मैं जानता हूँ कौन कौन आगे बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है। मुस्तखिरीन से मुराद वो लोग हैं जो इताअत और खैर में देर लगाते हैं, क्या करते हैं, पान पढ़ो नमाज क्या पढ़ो, तो फरमाते मैं आगे बढ़ने वालों को भी जानता हूँ और पीछे रहने वालों को भी जानता हूँ। इसी तरह से फरमाया कि कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में पैदा हुआ ये भी मुझे सब मालूम है। और एक कॉल ये है कि कौन अगले वाले सफों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है नमाज में और कौन पीछे रह जाता है, तो ये आयत तमाम इन मफहूमों को शामिल है, वो भी मुराद है, ये भी मुराद है, ये भी मुराद है। खुलासा ये है अल्लाह ताला फरमाते मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको, मुस्तकदिमीन को और मुताखिरीन को। और एक तफसीर ये भी लिखी है कि सहाबा किराम अगले वाले सफरों में पहुंचने की कोशिश करते थे, मुनाफिकीन देर से आते थे क्या और थोड़ा पीछे ही रह जाते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया आगे बढ़ने वालों को भी हम जानते हैं, पीछे रहने वालों को भी हम जानते हैं। और कुरान पाक ने उनके बारे में फरमाया वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब वो उठते हैं नमाज के लिए तो हारे जी से क्या, दिल चाहता नहीं है दिल, लेकिन अब क्या करेंगे, तो पढ़नी तो पड़ेगी, तो मुसलमान इजहार करना है। एक मतलब आप नमाज फजर की नमाज आपने पढ़ाई खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर अपना चेहरे मुबारक सहाबे की तरफ किया तो फिर फरमाया फलां शख्स है नमाज में, तो सहाबे किराम ने दाएं बाएं देख लिया कि देखें है या नहीं, तो नजर नहीं आया कि हजरत वो नहीं है। दूसरे शख्स का नाम लिया तो उन्होंने दाएं बाएं देख लिया आगे पीछे, हजरत वो भी नहीं है। फिर तीसरे शख्स का नाम ले लिया आपने कि फलां शख्स नमाज में है, तो फिर देखा कि हजरत वो भी नहीं है। आपने फरमाया कि मुनाफिकीन के ऊपर ये दो नमाजें भारी हो जाती हैं, एक ईशा की नमाज और एक फजर की नमाज। वह इशारा कर दिए कि जिनका हमने नाम ले लिया है ये मोमिन नहीं है, साफ नहीं फरमाया, सिर्फ ये फरमाया कि मुनाफिक के ऊपर ये नमाजें बहुत भारी होते हैं। मुनाफिक उससे कहते हैं जो जाहिरी मुसलमान हो लेकिन बातिन में मुसलमान नहीं है, बातिन में काफिर है। ये तबका था मदीना तैयबा में। सवाल है कि आज कोई मुनाफिक हो सकता है, अकीदे का मुनाफिक तो नहीं हो सकता क्या, हाँ अमल का मुनाफिक हो सकता है क्या, अमल का मुनाफिक का माने आते हैं कि वो अकीदतन तो मानता है नमाज है फर्ज है लेकिन पढ़ता नहीं है क्या जी, इसलिए आज भी ये दो वक्त बहुत भारी हो जाते हैं उम्मत के ऊपर। सबसे ज्यादा जो भारी है वो फजर की नमाज है। शायद वो मैंने वो वाक्य आपको बताया था, मेरे पास फोन आया एक शख्स का, उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता हूँ, यानी जमात मुझे मिलती नहीं है,
मैंने कहा क्यों? कहा मैं अकेला होता मस्जिद में, यानी अजान तो मैं दे देता हूँ लेकिन जमात नहीं होती है, ये दुख है मुझे, कोई आता ही नहीं जिसके साथ मैं मिलकर नमाज पढ़ लूँ। कहा ईशा में भी यही हाल है और फजर में भी। उसके बाद उसने अजीब जुमला कहा, कहने लगा मस्जिद मेरे करीब में है तो क्या मैं फजर की नमाज में अपने अहलिया को साथ ले लूँ, यानी अपनी बीवी को साथ ले लूँ और हम दो मियाँ बीवी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और मुझे जमात मिल जाएगी, क्या इसकी इजाज़त है? तो मैंने उससे कहा इसकी इजाज़त नहीं है, आपकी अहलिया मोहतरमा घर में नमाज पढ़ ले, आप मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ लो, आपको पूरी जमात का सवाब मिलेगा। तो ये मैंने एक जगह बयान किया, बयान खत्म हुआ कि एक जवान मेरे पास आया, कहते हैं कि हमारी मस्जिद का भी यही हाल है। मैं कहा क्या? कहा मैं अकेला ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ, अजान देता हूँ, कोई नहीं आता, फजर में भी अकेला। कहने लगा अब मैं कभी दूर जाता हूँ तो बस्ती आसपास है नहीं कोई, 2 किलोमीटर दूर बस्ती है और इस बस्ती में कोई दूसरी मस्जिद भी नहीं, बस्ती छोटी होगी तो 2 किलोमीटर वो फजर पढ़ने के लिए अब दूसरी मस्जिद में जा रहा है और उस मस्जिद में अब कोई पढ़ता ही नहीं। तो मैंने उससे कहा नहीं, आप उसी मस्जिद में पढ़ लो, आपको जमात का सवाब पूरा मिलेगा। जमात का सवाब क्यों मिलेगा? अल्लाह ताला दे देंगे जमात का सवाब, जाहिर सी बात है उसके बस में तो है ही नहीं। और एक हदीस में है जो आदमी पहाड़ की चोटी पर है, यानी दूर है वो अपने भेड़ बकरियों के साथ, तो नमाज का वक्त हो गया और उसने अजान दे दी लेकिन है अकेला, तो भेड़ बकरियां हैं उनको कहाँ रखेगा, तो अजान दे दी और मसलन सुन्नतें पढ़ ली जोहर की, उसके बाद इकामत कह के उसने नमाज शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है कि इसके पीछे नमाज पढ़ लो, क्या फरिश्तों के ऊपर नमाज फर्ज तो है ही नहीं, महज इसलिए कि इसको जमात का सवाब मिल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको मैं जमात का सवाब दे दूंगा, किसका? तो जो मस्जिद में ही होगा जाहिर सी बात है जमात का सवाब तो मिल ही जाएगा। तो कुरान पाक ने फरमाया कि ये उठते हैं नमाज के लिए लेकिन दिल से नहीं उठते हैं, हारे दिल से, क्या कुशाला, यानी बिल्कुल कहालत इनको उस वक्त आ जाती है। तो इससे मालूम हुआ कि नमाज के लिए आदमी जो है तैयार रहना चाहिए। एक तो है कि बदनी थकावट, क्या वो इसमें दाखिल नहीं है? एक आदमी सफर से आया बहुत थकावट है तो फिर भी उठ के नमाज पढ़ ली, लेकिन वो बदनी थकावट नहीं है, वो चूंकि उनका मन ही नहीं चाहता है, जिस शख्स को कोई काम करने का गरज ही न हो तो उससे जो काम लिया जाएगा तो मुश्किल ही हो जाएगा ना। बहरहाल ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं सबको जानता हूं, जब सबको जानता हूं तो सबके आमाल से बाखबर हूं, और कल जब मैदानी महशर आएगा उसमें मैं सबको उसका बदला दे दूंगा, तो नेकोकार का उसका बदला दे दूंगा और जिसने नाफरमानी उसको उसका बदला मिलेगा। इसलिए आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वह इन नरबक हुआ या शुरू हूं, बेशक आपका परवरदिगार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ वो या शुरू हूं उनको इकट्ठा करेगा, क्या करेगा, कैसे इकट्ठा करेगा, ऐसे इकट्ठा करेगा एक भी छुपेगा नहीं, क्या या परवरदिगार फरमाएंगे वो एक तो रह गया, एक तो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है ना, आदमी कर लेता है बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक भी गरजीर नहीं होगा, क्या न कोई बच सकेगा कि बच के कहीं छुप गया, या न कोई ऐसे रह जाएगा कि मुझे इल्म नहीं, तो सबों को जमा करके लाएगा। इन्हु हकीम अलीम, वो हिकमत वाला है वो और वो इल्म वाला है। अब इसमें क्या क्या राज होंगे कि अल्लाह ताला ही जानता है कि कब वो जमा करेगा किनको, लोगों को, जब तक ये दुनिया खत्म न हो जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का तज़किरा फरमाया, इसको कहते हैं ये दलील है, दलील अनफुसी, क्या वो आफाकी की थी, ये अनफुसी दलील है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिम मिन हमईम मसनून, बेशक यकीनन हमने इंसान को पैदा किया, मिन सलसाल, क्या ये सलसाल क्या चीज है, सलसाल कहते हैं ऐसी मिट्टी को कि अगर उसको ऐसे हाथ से बजाया जाए तो आवाज निकले, जैसे वो बर्तन होते हैं मिट्टी के तो जो खनखनाती है, क्या जिससे आवाज निकलती है, जो यूं यूं बजाएंगे तो खनखन खनखन आवाज निकलेगी, तो जैसे जेवर बजाते हैं तो उसमें से एक आवाज ही निकलती है, तो ये जो
मिट्टी के बर्तन होते हैं, जब उनको बजाया जाए तो उसमें से आवाज निकलती है। ये अल्लाह ने फरमाया मिन हमाइन, क्या हमाइन के माने थे वो गारा जो काले रंग का हो, किसके रंग का हो, काले रंग का हो। मसनून, मसनून से यहां मुराद ये है कि जो बहुत देर तक रखा जाए और उसमें तगैयर आ जाए, क्या तगैयर आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते इससे मैंने इंसान को पैदा किया। तो एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को भेजा कि आप जमीन से मिट्टी उठा के लाओ कि मुझे एक बनाना है एक इंसान। तो फरिश्ते गए और वो मिट्टी लेकर आए। एक रिवायत में यह भी है जिब्रील को भेजा कि जमीन से मिट्टी लेकर आओ, तो जमीन ने बहुत रोया और कहा मुझे माफ कर दो कि मुझसे मिट्टी मत ले लो। फिर इसराफील को भेजा तो जमीन ने फिर रोया तो उसको भी रहम आ गया, वो भी वापस आ गए। इस तरह से और भेजा उसको मिकाइल को तो वो भी वापस आ गए। आखिर में इसराइल को भेजा, किसको, अलैहिस्सलाम को। तो जमीन ने बहुत ताहोजारी की कि मुझसे मिट्टी मत ले लो। उसने कहा कि तुम लेनी पड़ेगी क्या, उसे मैं नहीं मानता। इसलिए उसने मिट्टी ले ली। तो अल्लाह तआला आप मिट्टी लाए, तो जमीन ने रोया नहीं, उसने रहम नहीं, रहम की दरख्वास्त नहीं किया, लेकिन मैंने माना नहीं। मैंने कहा जिब्रील भी वापस आ गया, मीकाइल भी वापस आ गया और इसराफील भी, अब तो मैं ही रह गया, इसलिए मैं लेकर आया। बहरहाल तो ये मिट्टी जमा कर ली गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मिट्टी मुख्तलिफ जगहों से उठाई गई, मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह वो जरा से येलो रंग की होती है, किसी जगह व्हाइट रंग की होती है, मुख्तलिफ किसी जगह सिया रंग की होती है, लेकिन खुलासा आखिर में जब उसको मिला लिया तो उसका रंग चेंज हो गया। तो आपने फरमाया कि वो मिट्टी जो थी वो मुख्तलिफ अलवान थी और मुख्तलिफ मिजाज। मुख्तलिफ अलवान के माने थे उस मिट्टी के रंग मुख्तलिफ थे और उस मिट्टी का मिजाज भी अलग अलग था। मिजाज का मतलब है कि किसी जगह की मिट्टी सख्त थी, किसी जगह की मिट्टी नरम थी। आपने फरमाया इसलिए बनी आदम जो है, आदम की औलाद, इनके मिजाज भी अलग अलग होंगे और इनकी रंगत भी अलग अलग होगी। किसी का रंग कैसा होगा, किसी का रंग दूसरा होगा। बाज मुल्कों के रंग अलग होते हैं, बाज मुल्कों के, किसी जगह के रहने वाले काले होते हैं, किसी जगह के गोरे होते हैं, किसी जगह सांवले होते हैं, गुंदुमनुमा होते हैं। मिजाज भी अलग अलग होता है। किसी का मिजाज तो बड़ा सख्त है, बात बात पर बस गर्म हो जाता है, और किसी का मिजाज बहुत नरम होता है। लेकिन अल्लाह ताला को नरम मिजाज पसंद है, नरम मिजाज जी, तेज मिजाज अल्लाह को पसंद नहीं है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको अल्लाह ने नरम मिजाजी अता फरमाई थी। कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम, अल्लाह की रहमत से आप अपने उम्मत के लिए नरम हो गए। वलो कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लनफज्जु मिन हौलिक, अगर आप तेज मिजाज होते हैं, सख्त दिल होते हैं, बात बात पर पकड़ कर लेते तो ये सारे सहाबा आपसे दूर हो जाते, एक भी करीब नहीं रहता। तो मालूम यह हुआ कि जब आदमी के मिजाज के अंदर तेजी होती है तो बात बात पर गुस्सा और डांट डपट अपने मातातों और अपने अहलयाल से, तो लोग उसे दूर हो जाते हैं। अहलयाल तो कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन दिल से दूरियां होती हैं। अफसर तेज मिजाज है, मातत कहीं जाएगा नहीं, लेकिन दिल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और अगर वो मातत नहीं है तो फिर वो मिलने के लिए आएगा ही नहीं, वो कहेंगे क्या जरूरत है इसे मिलने की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाकमाल है, ऐसा बाकमाल तो कायनात में कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अगर आपके मिजाज में तेजी होती तो ये लोग आपसे क्या हो जाए, लनफज्जु मिन हौलिक। इससे मालूम हुआ कि बाकमाल के मिजाज में तेजी है तो नुकसान है, लोग भाग जाएंगे। तो जो बाकमाल हो ही नहीं, पहले से ही नाकिस हो, हम जैसा हो, तो जाहिर सी बात फिर तेजी हो क्या हो, तो जाहिर सी बात कौन करीब आएगा। तो उसको उर्दू वाले कहते हैं करेवा करेला नीम चढ़ा, क्या यहाँ का करेला नहीं वहां का करेला, यूपी वगैरह में करेला वो बहुत कड़वा होता है, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना सपोर्ट जिस पर वो चढ़ जाए। जैसे हम कद्दू के दरख्त को चढ़ाते हैं ना डाक्षिस ना करण, तो नीम का दरख्त उसके तो मिसवाक काटो तो कितना कड़वा होता है, उसके पत्ते चबाओ तो कितने कड़वे होते हैं। इसलिए कहते हैं जो शुगर के जो बीमार हैं उनको जो है वो नीम के पत्ते उबाल के उनको पिलाना चाहिए। तो बहरहाल नीम का जो है वो उसकी मिसवाक भी बनाई जाती है, कड़वी होती है।
तो करेला खुद कड़वा है, करेला फिर उसको चढ़ाया किसके ऊपर, नीम के दरख्त के ऊपर, वो तो ऊपर चढ़ेगा, तो उसी पर दिन करेला नीम चढ़ा। करेला मतलब तो ये है कि उसके वो जो कड़वा है, कड़वापन है, उसमें तो इजाफा हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो जाएगी। तो एक आदमी पहले ही से बेचारा नाकिस है और फिर इधर से और तेजी है, तो वही हो जाएगा करेला नीम चढ़ा। आज बहुत शिकायतें आती हैं घरों से कि डैडी और मम्मी आपस में लड़ते हैं, भाई बहनें आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये हमको नुकसान कम नजर आता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कितना बड़ा, हदीस में है कि जिस घर में लड़ाइयां होती हैं अल्लाह ताला बचाए, निजात मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उस घर से खैर और बरकत को उठा लेते हैं कि अब इस घर में बरकत और खैर ये जरूरत नहीं है, बस निकाल देते हैं अल्लाह ताला वापस। और एक रिवायत में भी है, उसके अल्फाज शायद मुझे पूरे याद ना हो, वो है कि इन रिफ्का ला यकून फी शैइन इल्ला ज़ानहू, और फरमाते हैं कि वला युमज़ऊ मिन शैइन इल्ला शानहू। ये रिवायत के अल्फाज हैं तकरीबन। वो फरमाते हैं कि नरमी जो है जिस चीज में ये होगी तो उसको खूबसूरत बनाती है, क्या यानी उसके अंदर जमाल आता है, तो अशुद्ध तर्जुमा करो शुभदार चीज बनावन क्या, और वाला युनज़ा मिन शैइन इल्ला शानहू, तो जिस चीज से ये निकाली जाती है कौन ये नरमी वर्मी, उसको वो बदसूरत बनाता है क्या। मतलब तो ये है कि नरमी की वजह से इंसान गोया कि वो साहिब कमाल साहिब जमाल माना जाता है, बहुत खूबी है उसके अंदर ये चीज, और अगर ये चीज निकाली गई तो उसको क्या करता है जी, बदसूरत बना जाता है। बरा अब ये जो है ना अल्लाह ताला ने किससे बनाया, कहीं तो फरमाया तुराब से बनाया, क्या बनाया, ये भी रिवायत में है तुराब, तुराब मिट्टी को कहते हैं, कहीं फरमाया तीन लाजिब, क्या तीन लाजिब कहते हैं कीचड़, क्या यहां फरमाया सलसाल, यहां फरमाया सलसाल। आखिर अल्लाह ताला ने बनाया तो किसे बनाया, फरमाया देखो पहले तो मिट्टी जमा की गई, इसको तुराब कहते हैं क्या, फिर मिट्टी के अंदर पानी मिलाया, इसको तीन कहते हैं क्या, गारा लाजिब चिपकने वाला, फिर जब उसको बहुत दिनों तक रखा, जाहिर सी बात है तो सूख जाएगा ना, तो उसको पहले वो बना लिया, गारा बना दिया, बहुत दिनों तक मुतगैर हो गया, फिर उससे यूं यूं करके आदम अलैहिस्सलाम का एक पुतला सा बना लिया, उसको ये रख दिया ऐसे ही छोड़ दिया ऐसे ही, तो हवाएं आती रही क्या और उसको खुश्क करती रही, तो हल्का सा मुमकिन है उस हवा में कुछ गर्मी भी हो, इसलिए कि कहते हैं कि इंसान चार चीजों का बना हुआ है क्या, मिट्टी पानी हवा और आग, ये चार चीजें मिल जाती हैं। तो आग की वजह से उस गर्मी की वजह से वो बिल्कुल ठेकरे की तरह हो गया और वो गया बजने लगा, क्या लगा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने सारी चीजें बता दी सब सही है कि पहले मिट्टी लाई फिर उसमें पानी डाल दिया फिर उसको पानी और मिट्टी को क्या कर लिया मिला लिया, मिला लेने के बाद उसका एक पुतला सा बना लिया और उसको बहुत देर तक ऐसे ही रखा तो फिर वो बजने लगा। तो जिस तरह कुम्हार होता है ना बिला तशबी के, वो खुश्क मिट्टी लाते उसको तुराब कह दें क्या, फिर पानी डाला फिर ये किया, तो अल्लाह ताला ने किसी जगह वो फरमाया किसी जगह ये किसी जगह ये किसी जगह ये, तो मुख्तलिफ अहवाल गुजर गए इसके ऊपर और फिर आदम अलैहि सलातो सलाम बन गए। किताबों में ये भी लिखा है जाहिर का जिस्म ऐसा ही था जैसे मिट्टी जैसे, लेकिन उसके अंदर परवरदिगार ने कैसे बनाया ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, क्यों ज्यादा तफसीलात लिखी हुई किताबों में नहीं, अंदर अंदर से उसको बना लिया। तो जिस तरह बिल्कुल जैसे अंडा होता है ना, तो उधर से छिलका उतर गया और नीचे से चूजा निकल आया, तो ऐसे ऊपर से ये मिट्टी ही तो थी, वो मिट्टी ऐसे ऐसे क्या हो गई गिर गई और अल्लाह ताला ने अंदर अंदर से बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। बहरहाल ये फरमाया कि यकीनन हमने इंसान को बनाया, वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाल हमें मसनून, अरे एक जगह फरमाया कल फखार, क्या तो फखार उसी को कहते हैं कि जो मिट्टी आग के अंदर पकाई जाए तो वो फिर बजने लगती है तो उसको फखार कहते हैं। तो किसी जगह फरमाया मिन सलसालिन कल फखार, किसी जगह फरमाया मिन तीन लाजिब वगैरह जालिब। सवाल है कि फिर तो कहते हैं कि इंसान मिट्टी का पैदा किया गया है, तो ये क्यों नहीं कहते इंसान मिट्टी हवा और पानी और आग सब करें, जुज जो जुज है असल जुज वो तो मिट्टी है, वो तो दूसरी चीजें तो बस ऐसे आटे में नमक के बराबर में, आटे में नमक के बराबर, हाँ ज्यादा जुज उसमें पानी है, क्या है
इसीलिए आज साइंसदान भी कहते हैं कि इंसान के अंदर क्या है, बहुत पानी होता है, जरा पानी खारिज हो जाता है तो फौरन जिसको वो ग्लूकोज भर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो कहते हैं 75% पानी पानी है और 25% बाकी है। तो ये और भी एक जगह है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हाई, हमने हर चीज को पानी से बनाया, क्या यानी इसके वजूद में पानी का होना जरूरी है। बहरहाल तो जुज़े अकबर जो है बड़ा जुज वो मिट्टी है, वो तो उसमें फिर पानी डाल लिया और फिर हवा उसका हल्का सा उसके अंदर जो है वो दखल है, और ऐसे गर्म लू चली मसलन, या अल्लाह ताला ने कुछ हल्की फुल्की सी वो उसके अंदर हवा के अंदर वो गर्मी रखी होगी इतनी तेज, जैसे सूरज की गर्मी से भी आदमी तप जाता है ना, तो मिट्टी के बर्तन सूख भी जाते हैं, किस तरह क्या है। बहरहाल वो छोटे छोटे जूस हैं, क्या है, इसे जब भी निस्बत की जाएगी वो निस्बत की जाएगी किसकी तरफ, मिट्टी ही की तरफ। और यही वजह यह है कि आग का भी थोड़ा सा उनसुर उसमें है, इसलिए ये जो परमा कहते हैं कि ये जो आदमी नाफरमानियां करता है वो उस उनसुर की वजह से है जो उसके खमीर में डाला गया था, क्योंकि शैतान आग से बनाया गया, उसका तज़किरा आगे आएगा। तो मिट्टी जुज असल जुज है, जैसे आदमी रोटी खाता है ना, तो उसका असल जूस क्या है, आटा, आटा मैदा वगैरह जो भी हो, तो किसी में नमक डालते हैं तो नमकीन हो गया, किसी में शक्कर डालेंगे तो मीठा हो गया, तो किसी में कुछ भी मत डालो तो न उसमें नमक होगा ना न मीठा होगा। ऐसे जैसे हम आमतौर से घरों में रोटियां पकाते हैं उसमें ना वो लगाते हैं ना ये लगाते हैं, हल्का सा नमक भी लगाते हैं कभी कभी डालते हैं उसमें। खुलासा यह है कि बड़ा जूस इसका मिट्टी का है, क्या, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। सवाल यह कि हम तो मिट्टी से पैदा नहीं किए गए, हम तो देखते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने किसी को बच्चा दे दिया तो हमने नहीं देखी मिट्टी से ये पैदा किया गया है। कहते मिट्टी जो है वो असल जूस है, आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया गया, उसके बाद उनकी नस्ल चली दुनिया में। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया मैंने नुतफे से इंसान को बनाया, किससे, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालत मिन तीन भी फरमाया, मिन नुतफा भी फरमाया एक जगह। सवाल है क्या वो है, ये है, कहते हाँ मिट्टी सबब बईद है, क्या नुतफा सबब करीब है, नुतफा सबब करीबी सबब जिससे अल्लाह ने इनको बनाया वो नुतफा ही है। तो जब हम गौर करेंगे नुतफा ये बना है खून से, और खून ये बना है गिजा से, और गिजा ये निकला है कहां से, मिट्टी से। आदमी जो भी चीज इस्तेमाल करेगा खाएगा, चाहे दूध पिए, चाहे शहद खाए, चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, चाहे फल फ्रूट खाए, ड्राई फ्रूट हो या फ्रेश फ्रूट हो, ये सारे निकले कहां से, जमीन से, मिट्टी से। तो सबे भी करीब नुतफा बन गया, ये भी अल्लाह ने फरमाया सबे भी मिट्टी बन गई, ये भी, तो यही इंसान। अब उसके बाद है जिन्नात का तज़किरा, क्या वल जान खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम। वल जान, ये जान क्या चीज है, ये इसमें जिन से, क्या यानी जिन्नात। बाज लोगों ने कहा ये एक जिन था, ये एक जिन था और उसको अल्लाह ने बनाया किससे, आग से। खलकनाहु हमने पैदा किया उसको मिन क़ब्ल इंसान से पहले, तो मालूम हुआ कि जिन्नात इंसान से पहले दुनिया में आए हैं। एक रिवायत में जिन्नात को अल्लाह ने जमीन में बसाया था पहले, इबादत करो, लेकिन उन्होंने दंगा किया, क्या किया, बहुत ज्यादा लड़ाइयां की उन्होंने, के खून रेजियां की, क्या क्या की, 2000 साल पहले, क्या बाज लोगों ने और ज्यादा कहा है, इतने हजार साल पहले। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हम एक इंसान बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, वो आगे भी आएगा, फरिश्तों से कहा कि और मैं एक बशर को बनाऊंगा, तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा था कि आपको क्या जरूरत है फिर बनाने की, क्या हम कम हैं। तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो उन्होंने कहा था आता चलू फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, क्या आप ऐसे शख्स को बनाएंगे कि वो वहां लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा और खूनरेजी करेगा, क्या करेगा। उन्होंने ये क्यों कहा, उन्होंने कयास किया जिन्नात के ऊपर, क्या कि जैसे ये एक मखलूक है, इन्होंने कौन सा कमाल कर दिया, अब जो इंसान को बनाएंगे तो वो भी यही करेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया था इन्नी आलमू माला तालमून,
ए फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम जानते नहीं हो। तुम इंसान को जिन्नात के ऊपर कयास मत करो, बल्कि इंसान जो है ये दूसरी मखलूक है। हाँ, आगे जाकर कुछ गड़बड़ भी इंसान गड़बड़ भी कर लेंगे, लेकिन इंसान जो है ये अल्लाह ताला ने बनाया, इसके ये अशरफुल मखलूकात है और खलीफा है जमीन में। क्या है? खलीफा है जमीन में। तो यहां जिन्नात का तज़किरा हो गया कि हमने जिन्नात को बनाया इससे पहले मिन नार समूम, आग से बनाया। किससे? ये समूम कहते हैं कि एक तो बिल्कुल ही आग से, एक के कि आग की लिपट, क्या यानी उसकी गर्मी, जिसको लू कहते हैं, लू चलती है ना, यहां नहीं, गर्म इलाकों में लू चलती है। अल्लाह, जहर को जब निकलते हैं तो बस इतनी शिद्दत की गर्मी होती है मक्के शरीफ में, मदीना तैयबा में, तो छाता लेकर निकलते हैं, क्या छाता निकल लेते हैं, रुमाल सर पर डाल देते हैं और जल्दी से कोशिश करते हैं कहां हरम में पहुंचने, किसी सायादार जगह में पहुंच जाए, तो बिल्कुल लू चलती है ऐसे। तो फरमाते हैं कि वो जिस आग से उसको पैदा किया गया उसमें धुआं नहीं था, किस क्या इससे वो नजर भी नहीं आता था जल्दी, तो उससे अल्लाह ताला ने उसको बनाया, किसको? जिन्नात को, समूम। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज काल रब्बुका लिल मलाइकति, जब फरमाया परवरदिगार ने तेरे रब ने फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमयिम मसनून, कि मैं बनाने वाला हूं एक आदमी, एक बशर इंसान, किससे बनाएंगे? मिन सलसालिम मिन हमयिम मसनून, यही अल्फाज फिर आ गए कि खनखनाती मिट्टी से, एक गारे से। फरिश्तों से पहले कहा फैजा सवैतुहु, फरिश्तों सुनो, जब मैं उसको पूरा बना लूंगा, किसको? उस इंसान को। वनफक्तु फीही मिन रूही, और अपनी रूह उसमें डाल दूंगा, फकऊ लहू साजिदीन, तुम उसके सामने सजदा कर लेना। ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से पहले फरिश्तों से फरमाया। सूरह बकरा में फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूं, क्या नाइब बनाना चाहता हूं। यहां फरमाया कि मैं एक इंसान को बनाऊंगा, यहां बशर का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या तो इंसान को बशर भी कहते हैं, इंसान को इंसान भी कहते हैं। सवाल, इसको बशर क्यों कहते हैं? बशर कहते हैं असल में खाल को, किसको? खाल। तो वो जो खाल है जिसमें बाल न हो, क्या यानी बेबाल इंसान, क्या सवाल है? लेकिन इंसानों के ऊपर तो बाल हैं। तो फरमाते हैं कि यहां बालों से मुराद है जैसे जानवरों के बदन पर बाल होते हैं, कि पूरे बदन पर बाल होते हैं, बोले पूरे, जैसे आप भेड़ देखो, बकरी देखो, ऊंट देखो, घोड़ा देखो, या और जानवर हैं, शेर है, चीता है, पूरे बदन पर बाल होते हैं। इंसान का ऐसा मामला नहीं है, इंसान के तो सर पर बाल होते हैं, क्या सर बालों से ढका रहता है। और दूसरी बात यह है कि अब मर्द है, मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द की, लेकिन जाहिर सी बात है पेशानी बालों से खाली होती है, और बदन पर अगर हैं बाल हल्के हल्के हैं, क्या हैं? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आपके बदन मुबारक पर बाल नहीं थे, एक लकीर थी, क्या यहां सीने मुबारक में। तो खुलासा यह है कि हम एक बशर को बनाने वाले हैं, बशर उसी को कहते हैं कि जिसके बदन के ऊपर, पूरे बदन पर बाल ना हो। अब सवाल है क्या इंसान को बशर कह सकते हैं? जब अल्लाह ताला फरमाते हैं बशर, बशर माने इंसान, बशर माने। अब बाज मरतबा देखा कि आवाम जो इस लफ्ज को पूरे समझते नहीं है और फिर कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हैं। जब आप झगड़ा किस चीज का? हमारी जुबान में, बिलखसूस कश्मीरी जुबान में, जब हम कहते हैं बशर इंसान, बशर है, हम उस वक्त ये बोलते हैं जब उसे कोई गलती हो जाए, क्या गलती हो जाती है किसी से, सहव हो गया, गलती हो गई, भूल हो गई, कहने भाई इंसान बशर है, मुझे माफ कर दो। तो अब हम यही लफ्ज बशर जब हम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग मफहूम वो लेते हैं, कौन गलती वाला, इसलिए कहते हैं कि भाई आप अंबिया को बशर कहते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो वहां क्योंकि हमारे जहन में मफहूम बशर का क्या है, लेकिन कुरान पाक ने यहां बशर इंसान को कहा, किसको? तो उसी एतबार से तो सारे ही अंबिया अलैहिस्सलाम भी बशर बमन इंसान है। तो हाँ, अगर कोई बशर से मुराद देगा गुनाहगार, खताकार वगैरह, तो फिर उस वक्त ये लफ्ज उनके लिए मुनासिब नहीं है।
तो इसीलिए आवाम के अंदर इसमें झगड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को, ये क्या है, बशरुन है, तो मैं बनाने वाला हूँ एक बशर, इन्नी खालिकुम बशरुन मिन सलसालिम मिन हमई मसनून फैजा सवैतुहु, जब मैं उसको मुकम्मल कर लूंगा, क्या मुकम्मल से मुराद ये है कि जब मैं उसको पूरा बना लूंगा, उनके जितने भी जो ये हैं आजाए बदन, आजाए तो वनफक्त फीही मिन रूही, उसके बाद मैं उसमें रूह डाल दूंगा। तो मालूम हुआ कि इंसान दो चीजों का मजमूआ है, जिस्म अलग है और रूह अलग है, और जिस्म जो है इसको कह रही है आलम खलक से ताल्लुक रखती है, किससे, खलक के मान इसमें मटीरियल हो, क्या हो, यही मिट्टी है, यही पानी है, ये सारी चीजें, तो अल्लाह ने इसको आहिस्ता आहिस्ता बना लिया, बहरहाल बना लिया। तो लेकिन रूह जो है वो इस आलम की चीज नहीं है। कुरान पाक ने खुद फरमाया यस अलूनक अन रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कि रूह क्या चीज है, आप फरमा दीजिए ये मेरे अल्लाह का अमर है, ये मेरे अल्लाह का जाहिर सी बात है, जो चीज समझ में ही नहीं आएगी तो उसको समझने की कोशिश बेकार है, और क्यों समझ में नहीं आएगा, अगर कोई शख्स अक्लमंद होगा तो उसको जो है वो समझाने का मलका अल्लाह ने अता फरमाया होगा, क्यों नहीं समझेगा, कहते हैं नहीं समझेगा क्या। और एक बड़े शख्स ने फरमाया अगर कोई शख्स मुझसे सवालात करता रहे रूह के बारे में, क्या वो ऊंचे दर्जे के आरिफिन में से हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाक़ रहमतुल्लाह, मैं जवाब दूंगा, वो फिर एतराज करेगा, मैं जवाब दूंगा, सिलसिला 4 साल तक चलता रहेगा, फिर भी वो रूह समझेगा नहीं। तो उसे जब कहा गया क्यों नहीं, कहा रूह का ताल्लुक सुनने से नहीं देखने से है, किससे, फिर हजरत ने मिसाल भी लिख दी, कहा एक नाबीना है मादरजाद, एक तो एक दुनिया में अल्लाह बचाए किसी को कोई हादसा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई तो ये अलग मसला है, क्योंकि वो तो उसको तो मालूम है काला किसे कहते हैं और सफेद, लेकिन एक तो है मां के पेट से ही वो जिसको मादरजात कहते हैं नाबीना है, अब उसको समझाएंगे कि भाई सफेद काला और पीला और नीला और ये सब चीजें, वो कहेंगे मुझे समझाओ सफेद और काले में क्या फर्क है, तो हमने कहा भाई ये बहुत जबरदस्त जो है समझाने वाले हैं, ये मौलाना है या ये प्रोफेसर हैं, ये आपको समझाएंगे, उसने कहा देखो सफेद सफेद होता है क्या, बिल्कुल ऐसा जैसे बर्फ, उसने कहा सर मैंने बर्फ तो मैंने हाथ तो लगाए मेरे बर्फ को लेकिन उसका कलर मुझे मालूम नहीं, अब वो कितनी मिसालें देगा, हजारों मिसालें देगा वो तब भी नहीं समझेगा कि काले और सफेद में क्या फर्क है, तो वजह उसका ताल्लुक देखने से सुनने से नहीं। हाँ अगर उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, क्या आ जाए, तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, दो चीजें सामने रख देंगे, एक काली चीज एक, तो पहले ब्लैक बोर्ड होता था आज व्हाइट बोर्ड भी होता है, तब कहेंगे ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, हम उसे कहें समझ गए, उन्हें कहा मैं समझ गया, तो उधर तो इतना समझाया तब भी नहीं समझे। फरमाया कि रूह जो है ये इंसान इसको इस दुनिया में समझ नहीं सकेगा, आलम अरवा अमर की चीज है, तो पहले सारा जिस्म पूरा हो जाता है फिर उसके अंदर वो रूह डाल दी जाती है। दुनिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती, इससे बिजली है क्या, ये जो चलेगी ना उनमें लाइनों में चलती रहेगी, उस वक्त ये नजर नहीं आएगी, आगे किस वजूद में आएगी, आप नीला बल्ब लगा लेंगे तो नीली रोशनी आएगी, आप लाल लगा लेंगे तो लाल रोशनी आएगी, आप बिल्कुल ये व्हाइट लगा लेंगे तो यही आएगी, और अगर उसको पंखा लगाएंगे तो उसको घुमाएगा तो पावर तो उसमें भी है, और अगर आप जो है वो एसी लगा लेंगे गर्मियों में तो वो वाला एसी लगाते हैं कौन, सर्दियों में तो कमर ठंडा हो जाता है और गर्मियों में गर्म वाला लगाता है, तो खुलासा ये है कि ये पावर जो है असल ये नजर नहीं आता है, नजर चलता है कि लाइनों में, ये भी तो एक मादी चीज है, तो ये मादी चीज हमको नजर नहीं आती तो रूह कैसे नजर आएगी और रूह को हम कैसे समझाएंगे। अलबत्त बुजुर्गों ने यही मिसालें दी हैं, एक कारखाना पहले बना लिया अभी चलता नहीं क्या, अब इसको जो है वो कनेक्शन लगा लेंगे, बाहर ट्रांसफार्मर है तो स्विच ऑन कर देंगे और कारखाना चलना शुरू हो जाएगा, और स्विच बंद कर लेंगे कारखाना बैठ जाएगा। तो रूह आसमान से आई है, जब निकलेगी तो आसमान में ही चली जाएगी। तो बहरहाल ये फरमाया कि हमने फिर जो है वो जब मैं उसमें रूह डाल दूं, इस रूह को अपनी तरफ निस्बत की, क्या की, कहते हैं ये बहुत बड़ी ताजीम है, मैंने जानवरों के रूह तो अल्लाह ने बनाए ना, क्या कोई जानवर बगैर रूह के है क्या,
हर जानवर में रूह है, इसे रूह चली जाती है तो जानवर मर जाता है। तो इसी तरह से इंसान के बदन से रूह निकली, इंसान मर गया, लेकिन उन रूहों की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ नहीं की जानवरों की। ये तो फरमाया कि मैंने जानवर रूह, यहां फरमाया रूह ही क्या अपनी तरफ नहीं रखी, अपना अपनी रूह जब मैं उसमें डाल दूंगा, मतलब कि ये अल्लाह ने खास निस्बत की उस रूह को किसकी तरफ, अपनी जात की तरफ। फकाउ लहु साजिदीन, ए फरिश्तों तुम सजदे में गिर जाना, क्या क्योंकि फरिश्तों को मालूम था ये खलीफा है, क्या ये बहुत ऊंची शान का होगा। तो फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, सब ने एक साथ, क्या ये दो लफ्ज अल्लाह ने बजाया, एक जगह फसजद अल मलाइकतु, क्या फरिश्तों ने सजदा किया, बस ये नहीं कितनों ने किया, और मुमकिन है कि किसी ने आज किया हो, किसी ने कल किया हो। इस आयत में फरमाया तमाम फरिश्तों ने सजदा किया एक साथ, क्या जी एक ही साथ तमाम फरिश्तों, कुल्लुहुम भी लगा दिया और अजमाउन भी लगा दिया। कुल्लुहुम हमारे जबान में भी कहते हैं शुरे कुल्लुहुम, शुरे ये अरबी लफ्ज है। फसजदल मलाइकतु, सजदा किया तमाम फरिश्तों ने, कुल्लुहुम सब के सब ने, अजमाउन एक साथ, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, क्या उसने सजदा, सवाल इबलीस वहां क्या कर रहा था, वो तो फरिश्तों में रहता था, क्या सवाल वो भी फरिश्ता था, नहीं। कुरान पाक ने फरमाया कान मिनल जिन, कान मिनल वो जिन्नात में से था। तो फरमाया कि अबा, उसने इनकार किया अन यकून मा साजिदीन, कि वो सजदा करे। अल्लाह ने फरमाया आपने सजदा क्यों नहीं किया, मुझे मैंने सजदा नहीं करता, क्या। तो अल्लाह ने फरमाया قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين, इबलीस तुझे क्या हो गया तो सजदा करने वाले उनके साथ नहीं हुआ। قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون, कहने लगा कि मैं सजदा करने वाला नहीं हूं उस आदमी को, उस इंसान को जिसको तूने सलसाल और हमई मसनून से खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, मैं उसका सजदा करने वाला नहीं हूं। तो अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं, तो दूसरी जगह कुरान पाक में है कहने लगे कि आपने मुझे आग से पैदा किया, किससे, और इसको मिट्टी से पैदा किया है, आग अफजल है किससे, मिट्टी से। ये उसने दलील दे दी, कहा क्यों, कहा देखो आग जलाते हैं तो ऊपर उठ जाती है, क्या, और मिट्टी हाथ में ले लो ऐसे फेंको ऊपर को, वो तो वापस आएगी नीचे, इसका मतलब तो मिट्टी की खासियत है क्या, नीचे की तरफ आना, और मिट्टी तो हमेशा नीचे ही रहती है, ये तो आदमी हाथ में उठा के ऊपर उठाएगा फिर वापस गिरेगी, तो मिट्टी की फितरत में क्या है, पसती है और नीचे रहती है, आग की फितरत में है आग जला ऊपर उठेगी। तो भाई उसने ये बताया कि जो ऊपर उठे वो अफजल है और जो नीचे ही रहे वो मफजूल है, वो अफजल नहीं है। कहेंगे कि मामला उल्टा हो गया, होना तो ये चाहिए था कि नौजुबिल्लाह आदमी सजदा करे किसको, इबलीस को, और आप मुझे कह रहे इसको सजदा कर लो, मैं करने वाला नहीं हूं। जब अल्लाह ने फरमाया अच्छा ऐसी नाफरमानी, था قال فخرج منها, क्या निकलो यहां से, क्या निकलो, فإنك رجيم तू मर्दूद है, क्या मर्दूद है, रद्द किया हुआ है इसको इबलीस। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इबलीस कहते हैं जो नाउमीद हो चुका हो अल्लाह की रहमत से। फरमाया व इन अलैका लानत इला यौमिद्दीन, अस्तगफुरल्लाह, कि देखो बेशक आपके ऊपर लानत है कयामत के दिन तक, क्या सवाल उसके बाद लानत उठेगी नहीं, उसके बाद भी है क्या, क्योंकि कयामत के दिन वो मरेगा ना, तो जब मरेगा उसी लानत पर मरेगा, तो उसके बाद भी उसी लानत में रहेगा। तो जब देखा कि वो अल्लाह ताला तो नाराज हो गए और लानत भी उस पर कर दी, मर्दूद ठहरा, तो माफी मांग लेता क्या, तब भी कुछ काम चल जाता कि हजरत माफ कर दीजिए, माफी हो गई, मुझसे गलती हो गई है, हो सकता है कुछ नजर सानी होता। उसने साफ कह दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं, किताबों में वाक्य लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई इबलीस की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे इबलीस क्या हो गया तुझको, सजदा कर लेते फिर क्या हुआ। उसने कहा कि बस हो गया जो हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं अल्लाह से सिफारिश कर लूं कि तुम्हें माफ कर दे, तुम माफी मांगोगे, तो कहा
माफ़ी मांगूंगा, क्या करना है? कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वापस के चलो आदम को सजदा नहीं, उसकी कब्र को सजदा कर लो, क्या तो मैं माफ़ कर दूँ? उसने कहा मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया, उसकी कब्र को सजदा क्या करूँगा? हजरत ने फरमाया तू तो वाकई मलून है। तो रब से कहने लगा काल और रबी फानज़िरनी इला यौमी बाउसून, कहने के या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, क्या कब तक? इला यौमी युबअसून, जब लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा मुझे मोहलत दे दे, यानी मुझे मौत मत दे दे क्या, और मुझे खूब मौका दे दीजिए कि ताकि मैं जिंदा भी रहूं और क्या करूं। वो कुरान पाक में कई जगह उसका तज़किरा आगे आएगा। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ तुझे मोहलत है, जाओ तुझे, मैं दुनिया में तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। सिर्फ रमजान में तो उनको कैद कर दिया जाता है ना, वो तो आरजी है, क्या है, रमजान की वजह से, वरना उनको मारा नहीं जाता, उम्र कैद नहीं, छोड़ देते हैं फिर उसको, कहा तुझे मोहलत है, लेकिन कब तक? इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मालूम वक्त तक। तो उसने कहा था जब दोबारा लोग जिंदा हो जाएंगे, क्या कयामत के दिन, हालांकि पहले लोग मरेंगे सारे, फिर बहुत जमाने के बाद दूसरा फूंक मारेंगे ईसा इस्राफील अलैहिस्सलाम, तो लोग जिंदा हो जाएंगे। तो इसने कहा कि मुझे उस तक नफ़े सानी तक, अल्लाह ने फरमाया नफ़े सानी तक नहीं बल्कि एक मालूम वक्त तक, वो मालूम कयामत, क्या है कयामत, जो पहला सूर फूंका जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं, इसलिए कहा इला वक्तल मालूम। तो फरमा ठीक मोहलत है आपको, अब उसके बाद क्या करने लगा? काल रब्बी बिमा अग़वैतनी, करे ए रब तूने मुझे गुमराह किया, क्या किया, गुमराह किया, और अब देखिए मैं छोड़ूंगा नहीं औलाद आदम को, लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द, मैं जरूर मुज़य्यिन करूंगा उनके लिए जमीन में, यानी मासियत गुनाह, वलउग़वियन्ना अजमईन, मैं सबको गुमराह करूंगा, मैं सबको छोड़ूंगा एक को भी नहीं, इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन, अलबत्ता उनमें से जो मुखलिस बंदे होंगे, तेरे बरगुजीदा बंदे होंगे, उन पर तो मेरा जोर चलेगा नहीं। इसकी तफसील आगे आएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि قال هذا صراط علي مستقيم, अल्लाह ने फरमाया कि जिन बंदों का तूने तज़किरा किया ना, उन फरमाया कि ये रास्ता है, क्या ये रास्ता है, मेरा रास्ता है मुस्तकीम, और फिर आगे फरमाया कि मेरे बंदों पर तुम्हारा जोर चलेगा नहीं, और जो तेरे पीछे चलेंगे तो उन सबको तुम्हारे साथ दोज़ख में दाखिल कर लूंगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु वलक शुक्र कुल्लु।